दरभंगा शहर के बीचों बीच दिल दहला देने वाली आई घटना, जहां मानवता को संसार करते हुए तकरीबन 8 माह की बच्चा को एक कार्टून में रखकर जला देने की घटना सामने आ रही है। जी हां, यह बड़ी खबर दरभंगा शहर के बेता चौक की है, जहां उस समय पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया जब आज सुबह नगर निगम के कर्मचारी यहाँ सफाई कर रहे थे। तभी कर्मचारियों के द्वारा देखा गया कि एक कार्टून में एक बच्ची की जली हुई अवस्था में सब है। इधर इस बात की सूचना दरभंगा नगर निगम प्रशासन एवं नजदीकी थाना को दिया गया। वहीं मौके पर नगर निगम के वार्ड पार्षद सहित थाना की पुलिस पहुंची और बच्चे को अपने कब्जे में लेकर दरभंगा मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि बच्ची कहां से आई है और किनके द्वारा यह पाप किया गया है, इसकी खोज में पुलिस जुट गई है। हालांकि सवाल सबसे बड़ा यह उठता है कि आए दिन इस तरह की वारदात यहाँ पे होते रहता है, लेकिन इसको लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वही प्रथम दृष्टि में यह आशंका लगाया जा रहा है कि बच्ची को किसी निजी क्लिनिक एवं अस्पताल के द्वारा यहाँ फेंका गया है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी धड़ल्ले से ऐसे कई हॉस्पिटल एवं निजी क्लिनिक चलता है, जहाँ अवैध रूप से गर्भपात करवाया जाता है। इधर इसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोग एवं वार्ड पार्षद क्या कुछ कहा है, आगे देखिए। यहाँ पे लाश मिली है, यहाँ बेता रोड में जितने भी महिला क्लिनिक वाले हैं, प्रसूति रोग वाले, हमेशा गलत काम करके बच्चा को कभी यहाँ पर, कभी ज्योति के पास, कभी नाला में फेंक दिया जाता है। क्लिनिक पर कार्रवाई किया जाए कि ऐसा गलत काम क्यों करता है, और बच्चा को यहाँ रख के माचिस मारे हुआ था, जला हुआ बच्चा पूरा था, जला हुआ अवस्था में मिला है। यहाँ पीछे 35 है, इधर 36 है, इधर 42 है, 47 है, 43 है, 3 वार्ड का बीच है। हमेशा यहाँ पर आए दिन ही घटना होती है। क्लिनिक पर कार्रवाई किया जाए, सीसीटीवी कैमरा खोल के दिया देखा जाए कि किसने बच्चा को आग लगाया यहाँ पर ला के रख के, पकड़ाएगा तभी तो कार्रवाई होगी क्लिनिक पर। ये थाना के द्वारा बताया जाए, जो यहाँ एक सिपाही दरोगा नियुक्त कर दिया, शराब दुकान का सीसीटीवी चेक किया जाएगा, अभी बताए हैं प्रभारी। हाँ, अभी भी कि हर मैंने क्लिनिक का जो ला कर रखता है उसका कम से कम जांच होगा तभी तो पकड़ाएगा। ये नगर निगम से इस पे कुछ कार्रवाई होगी कि नहीं? नगर निगम हम लोग तो लिखे के भेजेंगे, हमारे 3-3 बात के जमेदार थे, हम ही लोग के पहल से बच्चा उठा के ले गया है पोस्टमार्टम। बच्चा को बजट्टे से माचिस मारे हुआ था, पहला घटना नहीं है, हर 1-2 महीना पर ही घटना होती रहती। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम है फिरदौस जहाँ, वार्ड नंबर 36 की पार्षद। बेता चौक में एक बच्चे की मृत अवस्था में लाश मिली है, क्या कहिएगा इसको? यहाँ जो है जितना महिला डॉक्टर का क्लिनिक है जो अवैध रूप से चल रहा है, बराबर इस तरह का शिकायत यहाँ होता है। नवजात शिशु को एबॉर्शन करवा के और इस स्थल पर ड्रॉप कर दिया जाता है। हम लोग कई बार इसके सफाई का अभियान चला चुके हैं, जिसमें थाना तक भी सौभाग्यता रहती है, और हम लोग यहाँ स्थानीय पार्षद काफी विद्रोह जहाँ भी है अंदर में कोई समर्थन वार्ड के अंदर में पता है, बराबर सफाई अभियान चलाते हैं, इस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं होता। जितना प्राइवेट क्लिनिक है उसके द्वारा जो है यहाँ बराबर कचरा लगा दिया जाता है, उसी कचरा के अंदर जो बच्चा या जो भी अवैध काम होता है यहाँ कर दिया जाता है। बच्चा को गजब के जी, बच्चा किस अवस्था में थी यहाँ पे? बच्चा को कार्टून में रख के और पेपर में लपेट के जला दिया गया, अर्ध जली अवस्था में, और लगभग महिला सब जो उसको जाती है बोल रही थी कि 8 महीना का बच्चा है, पूरा बच्चा है। क्या नाम हुआ अपना? संतोष ठाकुर, वार्ड नंबर 35।